नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही है चने की दाल पीसने से। मैं डुबके भात बनाने वाली हूँ, और मुझे और प्रिया को नामकरण में जाना है। तो नामकरण तो दोस्तों हो चुका होगा, क्योंकि अभी दिन के 12:30 होने वाले हैं। तो मैं फटाफट खाना बना के जाती हूँ, और हमारे जाने तक तो दोस्तों पार्टी चलेगी। हाँ, हम लोग हो गए तैयार नामकरण में जाने के लिए। माँ बेटी, और पर बाहर बारिश हो रही है, छाता लेके जाना पड़ा। दरवाजा बंद कर और इनको खाना खिला देना। चलो भाई, बारिश के मजे लेते हुए। मजे क्या हो रहे? बारिश अंधेरे का नाम नहीं ले रही है। तो भाई, हम तीनों लगे हैं नामकरण में जाने के लिए, बारिश का मजा लेते हुए। प्रिया कह रही बारिश का मजा तो ऐसे कह रही, छाता हटा सब जाने। भाई छाता हटा के बीमार नहीं पड़ेंगे, भीगेंगे तो? हाँ, घर आते समय हटा लेंगे ना। हाँ, जहाँ नामकरण है वहाँ हम पहुँच गए, और बारिश आ रही हल्की हल्की लगी। अब हमने छाता रख दिया, अभी 2 कदम पे घर है। नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल क्या बस, दीदी को नाराज कर देंगे। अच्छा, सोया हम नामकरण से आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं राधा के घर को, राधा से मिलने। फिर शाम के टाइम पे टाइम मिलता नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी 3 बज गए होंगे ना। हाँ, 2:30 तो हो गया होगा। 3 नहीं बजेंगे तो 2:30 तक। अच्छा, 2:19 हो रहे। चलो अभी टाइम बज गया है। हाँ, तो अभी 1-1.5 घंटे राधा के यहाँ बैठते हैं। फिर प्रिया ने बच्चे भी पढ़ाने हुए, तो प्रिया बोली राधा बुआ से मैं भी मिलके आती हूँ। मैंने कहा कल ठीक है। कैसे हो भाई? हाँ, खा गए। क्यों जा अभी देते, वो भी गए हैं, चले जा आज सारे। अच्छा, मैंने कहा यार मिलके आते हैं, अभी मोनी इनको देखा हमने। हाँ, मैंने कहा मिला है राधा से। अब धीरे धीरे होगी भाई। अच्छा, अभी चलते हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा शाम के टाइम पे नहीं आ जाएगा। संडे को
संडे को जा रही है ना, तो इसने कहा मैं बुआ से मिलने ले, अभी एक चक्कर मिलेगा टाइम में, कल आ जाएंगे। शाम को तो मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगी, मैंने वीडियो एडिट करनी क्योंकि दो दिन से वीडियो नहीं डाल रखी, तो क्योंकि कल मैं हल्द्वानी रह गई, अभी मैं थी यहाँ नामकरण में, परसों नामकरण में पांडित जी के यहाँ। हाँ खुद सही रहोगे, चलो जब कभी आना होगा बता देना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी लेने के लिए अंकित को। चलो ठीक है फिर, ठीक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर आना फिर है ठीक है। तो दोस्तों इधर घास वास हो रहा था तो राधा ने इधर कह के किसी से सब सफाई करवा दी है, अब अच्छा हो गया साफ सुथरा, बीच में बहुत घास हो रहा था इधर। है चिमकांडी तुझे खाना नहीं दिया, खा वही रहती है जिसका, तो छीन छीन के बैलनी को देती है। हाँ मौसम तो बारिश आने वाला भयंकर, नींद भी आ रही थी बड़ी, मैं सोई, ये बंदरों ने दरवाजा खोला, कुत्ते बाहर भागे, मैंने एकदम प्रिया को उठाया, फिर देखा घड़ी 5 बज गए, मैंने कहा 5 बजे 10 मिनट थे, मैंने कहा भगवान इतनी जल्दी क्यों 5 बज रहे हैं, मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं करे, जिंदगी में सबसे बड़ा आलस्य कपड़े बदलने का, सबसे बड़ा गंदा। और ये दीदी मुझसे लड़ने आ रही है, अकेले अकेले पार्टी करी वाल, मुझे नहीं बुलाया पहली बात। देखो एक सुनो सुनो बात तो सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। देखो हमारा अचानक से प्रोग्राम था, ऐसा कुछ था नहीं, खड़े खड़े हो गए, जिसके नसीब का था उसको मिल गया, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, और अभी एक ही नहीं आएगा ना, ना मैंने वो केक चखा ना मैंने रसगुल्ला खाया, नहीं आई तो काम तो होता क्या है, खाने की तो बात ही नहीं आई, कौन सा है खाने की तो बात ही नहीं आई, लड़ना कैसे, देखो काम होता है, मैं मानती हूँ काम नहीं होता है, नहीं होता है, बैठ ही रहती हूँ काम तो सारे। अरे कोई बात नहीं, और बना देती चाय पी जाओ, और पी जाओ का चाय, अच्छा बिल्कुल सही करा, सही करा भैया, सही करा, सही है, सही है भाई, उधार थी कल की चाय, कल की चाय उधार भी थी। हाँ हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। दोस्तों हम नामकरण में गए, तो नामकरण तो हो चुका था हमारे, जाने तक गाने बजाने हो रहे थे, फिर आ गई बारिश, तो दोस्तों फिर अंदर बैठे थोड़ी देर, हमने भी गाने वाने गाए, गाना गाने के बाद थोड़ा हमने खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ी देर हम बैठे, उसके बाद दोस्तों हम सीधा चले गए राधा के वहाँ, तो थोड़ी देर राधा के वहाँ बैठे, राधा का हाल चाल लिया, उसके बाद हम दोनों माँ बेटी आए घर, घर आने के बाद दोस्तों थोड़ी देर हमने भी आराम कर लिया, और आराम करने के बाद जैसे उठे तो पता लगा शाम के 5 बज गए हैं, रात के 11 बज गए, मैं थक भी गई दिन भर, आज सुबह से पहले घर का काम हो गया, फिर हॉस्पिटल का काम हो गया, फिर नामकरण में चली गई, वहाँ से आई तो थोड़ी देर राधा को देखने गई दोस्तों, वहाँ से आई तो घर में शोभा और गीता और बगल वाली दीदी ये लोग आए थे, उनके साथ बैठी, फिर मोहित की मम्मी आ गई, ऐसे बैठे रही, फिर उसके बाद खाना पीना बनाया, तो 11 बज गए, अब थक गई बहुत बुरी तरीके से, तो इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ, कल फिर मुलाकात करूंगी आपसे ही नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।